हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ड्रीम्स ऑफ ड्राइव। आज हमारे पास है टाटा की न्यू सफारी 2023, और ये जो आप देख रहे हैं वो पहले मिलती थी, मतलब अभी भी स्टॉक बचा होगा तो आपको मिल जाएगी, पर ये वाली जो है वो अभी लेटेस्ट टाटा सफारी है 2023 वाला मॉडल। अब ये वाला वेरिएंट जो है वो एकम्प्लिस्ट डार्क एडिशन में है, तो इससे ऊपर आपको एकम्प्लिस्ट प्लस मिलेगा। अब यहाँ पे डिज़ाइन जो है वो सफारी की काफ़ी हद तक चेंज हो गई है, और कार का कलर और कार जो है वो इसमें काफ़ी सही लगती है। अब हमें टाटा सफारी और टाटा हैरियर में भी नेक्सॉन की तरह ही कार को लॉक और अनलॉक करने पे कुछ इस तरह से एनिमेशन देखने को मिलता है। अब यहाँ पे टाटा सफारी के फ्रंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हमें हेडलाइट देखने को मिलेगी, जो कि आपको एलईडी हेडलैम्प मिलेगा, एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट, जो कि हाई बीम और लो बीम दोनों का काम करेगा। और नीचे यहाँ पे आइस क्यूब फॉग लैम्प आपको देखने को मिलेंगे, जो कि वो भी एलईडी में ही मिलेंगे। और यहाँ पे सफारी लिखा हुआ आपको दिखेगा। बीच में से ग्रिल जो है वो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी, और पूरी ब्लैक है कार, इसके लिए आपको यहाँ पे और कोई कलर इंसर्ट देखने को मिलेगा नहीं। अब ऊपर आपको यहाँ पे पूरी कनेक्टिंग एलईडी देखने को मिलती है, जो कि पहले आपको यही दोनों साइड देखने को मिलती थी, अब आपको बीच में भी यहाँ पे मिलेगी। अब यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा आपको मिलता है, तो इसके लिए फ्रंट कैमरा यहाँ पे प्लेस किया गया है, और यहाँ पे हमें एडास लेवल 2 भी मिलता है, तो इसके लिए रडार जो है वो यहाँ पे दिया गया है, और फ्रंट में हमें दो पार्किंग सेंसर्स भी देखने को मिल जाते हैं। इस कार को देख के थोड़ी मर्सिडीज की याद आती है। अब यहाँ पे टाटा सफारी में 2023 का जो नया फेसलिफ्ट वेरिएंट आया है, यहाँ पे हमें टायर प्रोफाइल जो देखने को मिलती है वो है 245/55R19, मतलब यहाँ पे हमें 19 इंच के न्यू एलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी सही लगते हैं। पुरानी वाली सफारी में हमें 18 इंच के मिलते थे, अब यहाँ पे हमें 19 इंच के एलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे सफारी के साइड प्रोफाइल के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमें हैशटैग डार्क, मतलब डार्क एडिशन है, तो आपको यहाँ पे ये वाली बैजिन देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको सफारी की बैजिन देखने को मिल जाएगी, और साइड से कार जो है वो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे टाटा सफारी के डायमेंशंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे सफारी की लेंथ है 4668 mm, सफारी की विड्थ मिलती है हमें 1922 mm, सफारी की हाइट जो मिलती है वो है 1795 mm, सफारी का व्हील बेस हमें मिलता है 2741 mm, और यहाँ पे सफारी का ग्राउंड क्लियरेंस जो हमें मिलता है वो है 205 mm। तो ये थे सफारी के डायमेंशंस। अब यहाँ पे सफारी के रियर प्रोफाइल के बारे में बात करें तो हमारे साथ बाजू में साइड में आपको पुरानी वाली सफारी भी देखने को मिल ही रही होगी, तो डिज़ाइन में वैसे ज़्यादा अंतर तो नहीं है, पर लाइट जो है वो थोड़ी डिफरेंट देखने को आपको मिलेगी। और यहाँ पे कनेक्टिंग लाइट जो हमें देखने को मिलती है वो आपको पुरानी वाली सफारी में नहीं मिलती थी। तो पीछे से भी सफारी जो है वो काफ़ी सही और यूनिक लगती है। अब लाइट के बारे में बात करें यहाँ पे तो लाइट जो है वो सफारी की कुछ इस तरह से दिखती है, जो कि काफ़ी सही लगती है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है सफारी की रियर लाइट। पूरी कनेक्टिंग एलईडी आपको दिए हुए है, मतलब यहाँ पे आपको हेलोजन का कोई भी इस्तेमाल किया गया नहीं है। सफारी में हमें पीछे पहले तो मिल जाता है शार्क फिन एंटेना, नीचे हाई माउंट स्टॉप लैम्प, वाइपर
विथ वॉशर, और यहाँ पे हमें डिफॉगर भी मिल जाता है। नीचे हमें यहाँ पे टाटा का लोगो मिल जाता है। लाइट के बारे में मैंने आपको बता दिया, पूरी एलईडी लाइट हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पे हमें फॉग लैम्प भी देखने को मिल जाता है, जो कि वो हेलोजन में मिलता है। नीचे हमें सफारी की बैजिन देखने को मिल जाती है, और नीचे जो है वो हमें यहाँ पे दो पार्किंग सेंसर्स भी देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे सफारी के एकम्प्लिस्ट डार्क वेरिएंट में भी हमें ये वाले वेरिएंट में भी हमें इलेक्ट्रिकली टेल गेट मिलता है, मतलब इलेक्ट्रिकली ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे सफारी का टेल गेट जो है वो ओपन हो जाता है। अब सफारी की रियर के बारे में बात करें तो वैसे सफारी तो 7 सीटर में ही आती है, 7 सीटर और 6 सीटर दो वेरिएंट आते हैं, पर हमारे पास जो ये वाला वेरिएंट है वो 7 सीटर है, और हैरियर में जो है वो पीछे की 2 सीट्स नहीं आती है। तो यहाँ पे ये सीट को फोल्ड करने के बाद हमें सफारी में 420 लीटर की बूट स्पेस देखने को मिलती है। वैसे आप यहाँ पे थोड़ा अपना सामान कुछ रख सकते हो, सीट को फोल्ड नहीं की हुई हो तो। और यहाँ पे हमें टूल्स भी देखने को मिल जाते हैं, और टायर पंक्चर किट भी हमें यहाँ पे टाटा की तरफ से हर गाड़ी में मिल जाती है, तो ये काफी सही चीज है फ्रॉम टाटा। और आपको स्पेयर व्हील की बात करें तो स्पेयर व्हील जो है वो हमें यहाँ पे टाटा में नीचे मिल जाता है। अब यहाँ पे सफारी में टेल गेट बंद कर रहा हूं तो यहाँ पे बटन दिया गया है, वो प्रेस करते ही बंद हो जाएगा टेल गेट। अब यहाँ पे सफारी के रियर डोर के बारे में बात करें तो पहले जो था वो सफारी में हमें यहाँ पे ये सनशेड देखने को नहीं मिलता था, अब यहाँ पे हमें ये सनशेड मिल जाता है, जो कि काफी सही चीज है, और आपको ग्लास एरिया भी काफी अच्छा मिलता है। और यहाँ पे हमें पूरी JBL की साउंड सिस्टम देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे काफी सही टेक्सचर दिया गया है, पूरा सॉफ्ट लेदर में मिलता है हमें, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। और यहाँ पे चारों पावर विंडो जो है वो ऑटो अप और ऑटो डाउन के साथ हमें मिलते हैं। सफारी वैसे काफी प्रीमियम हो गई है गाड़ी पहले से, और जैसे ही नाइट में मतलब रात के टाइम दरवाजा आपका ओपन होगा डोर, तब ये लाइट जो है वो ब्लिंक करेगी, मतलब पीछे से आने वालों को पता चलेगा कि आपकी कार का डोर जो है वो ओपन है। अब यहाँ पे सफारी के फ्रंट डोर के बारे में बात करें तो पहले तो हमें कीलेस एंट्री के लिए यहाँ पे सेंसर बटन भी मिल जाता है। अब डोर की बात करें तो फ्रंट में भी हमें बड़ा सा ग्लास एरिया देखने को मिलता है, और यहाँ पे डार्क एडिशन है तो पूरा सब कुछ आपको ब्लैक में ही देखने को मिलेगा। जैसे पीछे आपको थीम मिल रही थी वैसे ही सब यहाँ पे सॉफ्ट लेदर में मिलता है, जो कि काफी प्रीमियम लगता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो है वो आपको मिरर को एडजस्ट करने के लिए, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने के लिए और इलेक्ट्रिकली फोल्ड करने के लिए आपको यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ जो है चारों पावर विंडो की स्विच आपको मिल जाती है, जो कि ऑटो अप और ऑटो डाउन के साथ आपको मिलती है। और नीचे यहाँ पे आपको 1 लीटर की बॉटल रखने के लिए बॉटल होल्डर और थोड़ी स्पेस देखने को मिलती है। और JBL की तरफ से सफारी में हमें यहाँ पे ये वाले वेरिएंट में 9 स्पीकर की साउंड सिस्टम देखने को मिलती है, जो कि काफी प्रीमियम साउंड सिस्टम हमें यहाँ पे टाटा की तरफ से मिल जाती है। और नीचे यहाँ पे रिफ्लेक्टर लाइट मिल जाती है। अब सफारी के रियर सीट के बारे में बात करें तो यहाँ पे सीट जो है वो काफी कंफर्टेबल हमें मिलती है। यहाँ पे ऊपर हमें ग्रैब हैंडल देखने को मिलता है, दोनों साइड हमें यहाँ पे LED में रीडिंग लाइट भी मिल जाती है, और यहाँ पे हमें लेग स्पेस की भी कोई कमी नहीं है, और थाई सपोर्ट भी हमें काफी सही मिलता है। हालांकि ये वाला वेरिएंट जो है वो 7 सीटर है, इसमें यहाँ पे 6 सीटर भी आता है, तो यहाँ पे हमें आर्म रेस्ट भी मिल जाता है, और 2 हेडरेस्ट भी हमें एडजस्टेबल मिल जाते हैं,
और यहाँ पे हमें एक नई चीज देखने को मिलती है, जो कि आप ये दोनों चीज को अपने सर को रख के ऐसे एडजस्ट भी कर सकते हो, तो ये आपको ज्यादा कंफर्ट देगा यहाँ पे। और एसी की बात करो तो आपको एसी यहाँ पे पिलर पे वहां पे देखने को मिलेगा आपको, और नीचे आपको यहाँ पे थोड़ा हम्प देखने को मिलेगा, और यहाँ जो है वो मोबाइल या कुछ रखने के लिए थोड़ी जगह दी गई है, और यहाँ आपको एक सी टाइप और एक यूएसबी टाइप पोर्ट भी चार्जिंग करने के लिए देखने को मिल जाएगा। तो ये थी रियर में टाटा सफारी के बारे में। और हाँ, यहाँ पे टाटा सफारी में हम ये सीट जो है उसे भी एडजस्ट कर सकते हैं। टाटा सफारी में पीछे जाने के लिए आपको यहाँ पे सीट को पहले से फोल्ड हो जाएगी पूरी तरह, और यहाँ से आप इस तरह से पीछे जा सकते हो, जो कि इजी है। अब पीछे जो है वो आपको यहाँ पे सफारी में इस साइड पे आपको दो चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलते हैं, एक यूएसबी में और एक सी टाइप में, और दोनों साइड आपको एक कप होल्डर मिल जाएगा, और उस साइड पे आपको जीबीएल का सब वूफर भी देखने को मिल जाएगा। और एसी वेंट्स जो है वो आपको काफ़ी अच्छी जगह पे प्लेस किए हुए हैं, मतलब पीछे भी आपको यहाँ वहाँ पे गर्मी लगने की मतलब गर्मी आपको नहीं लगेगी। और एसी के कंट्रोल्स जो है वो आपको वहाँ पे नीचे दिए गए हैं, मतलब थर्ड रो के पैसेंजर्स भी एसी को अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाएंगे। अब पीछे जो है वो दोनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट वहाँ पे दिए गए हैं दोनों साइड, और पीछे की सीट भी आप रिक्लाइन एंगल जो है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये थर्ड रो के लिए भी काफ़ी सही चीज़ है। इंटीरियर के बारे में बात करें तो पहले तो हमें यहाँ पे एक वेलकम फीचर देखने को मिलता है, जैसे ही आप अंदर जाओगे सीट जो है वो अपने आप नीचे चलती जाएगी, और जैसे ही आप बैठोगे सीट अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। तो सीट में हमें यहाँ जो फीचर मिलता है, पहले तो सफारी में हमें दोनों साइड ये जो फ्रंट दोनों सीट जो है वो हमें वेंटिलेटेड सीट देखने को मिलती है, और 8-way एडजस्टमेंट के साथ हमें यहाँ पे सीट देखने को मिलते हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होता है यहाँ पे, और मेमोरी फंक्शन भी यहाँ पे हमें 3 मेमोरी फंक्शन दिए गए हैं, क्योंकि काफ़ी महंगी गाड़ियों में भी आते हैं, पहले मतलब मर्सिडीज वगैरह में हमें मिलते थे, अब हमें ये गाड़ियों में भी मिलते हैं, तो ये काफ़ी सही चीज़ है यहाँ पे टाटा सफारी में। तो सफारी का इंटीरियर जो है वो कुछ इस तरह से दिखता है, गाड़ी अभी बंद है तो आपको सब कुछ ब्लैक में ही दिखेगा। अभी यहाँ पे आपने कुछ देखा होगा, यहाँ पर हमें इल्यूमिनेटेड लोगो देखने को मिलता है टाटा में, जैसे ही नेक्सॉन से अब हमें कुछ इस तरह से यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है। तो डिस्प्ले जो है वो आपको कुछ यहाँ पे इस तरह से देखने को मिलती है, पूरी आपको डिजिटल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे काफी सारे फंक्शंस हमें यूज करने को देखने को मिलते हैं। अब स्टीयरिंग में काफी फ्यूचरिस्टिक दिखता है हमें स्टीयरिंग, और यहाँ पे इस साइड पे हमें इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं, और इस साइड पे हमें एडास और क्रूज कंट्रोल के फीचर देखने को मिल जाते हैं हमें। यहाँ पे स्टार्ट बटन देखने को मिलता है, और नीचे यहाँ पे पूरी हमें एम्बिएंट लाइट देखने को मिल जाती है। अब इस साइड पे हमें 12 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि काफी ज्यादा फीचर्स के साथ आती है। यहाँ पे हमें एयर प्योरीफायर मिल जाता है, यहाँ पे हमें एलेक्सा का भी फीचर मिल जाता है जो कि काफी सही है, JBL मोड्स मिल जाते हैं हमें JBL की साउंड सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले,
क्लाइमेट कंट्रोल को एडजस्ट करने के लिए हमें यहाँ से भी हो जाएगा। वैसे तो आप एसी यहाँ से भी ऑपरेट कर पाओगे, अभी यहाँ पे सराउंड 360 व्यू का भी फीचर हमें मिल जाता है। तो कुछ इस तरह से कैमरा क्वालिटी हमें मिलती है, जो कि टाटा सफारी की काफी सही क्वालिटी अब कर दी गई है। पहले हम टाटा को बोलते थे कि कैमरा की क्वालिटी जो थी वो काफी मतलब इतनी अच्छी नहीं थी, तो उससे तो काफी ज्यादा बेहतर अब कैमरा की क्वालिटी जो है वो टाटा की हो गई है। यहाँ पे 2D 3D मतलब पूरा आपको सराउंडिंग दिखा देगा। यहाँ पे आपको दोनों साइड मतलब इस साइड और उस साइड का दिखा देगा, और यहाँ पे नीचे के पीछे की साइड मतलब दोनों मिरर का नीचे का एंगल है। तो यही कुछ फीचर हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे एसी के वेंट्स जो है वो कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलते हैं, और ये जो है पूरी टच पैनल यहाँ पे दी गई है। एसी का एसी मतलब यहाँ पे ड्यूअल जोन एसी हमें यहाँ पे दिया गया है, तो इस तरह से हमें यहाँ पे मिलता है। फॉग लैम्प के मतलब फॉग लैम्प का बटन जो है वो भी आपको यहाँ पे रियर और फ्रंट के लिए दिया गया है। बूट जो है वो भी आप यहाँ से ओपन कर पाओगे कार को लॉक अनलॉक करने के लिए, और 360 डिग्री व्यू का बटन आपको यहाँ पे भी दिया गया है। तो यही सब फंक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ नीचे जो है वो हमें USB और 45 वॉट का टाइप सी पोर्ट भी देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी फास्ट चार्ज करेगा आपके फ़ोन को, और वायरलेस चार्जिंग भी हमें देखने को मिल जाता है। अब गियर नॉब जो है वो आपको काफ़ी मस्त यहाँ पे दिया गया है। ये जो है वो आपको मोड चेंज करने के लिए है, नॉर्मल मोड, वेट मोड, वेट मोड एक्टिवेटेड, रफ रोड मोड इज एक्टिवेटेड, सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। तो इस तरह से हमें यहाँ पे कुछ मोड्स भी देखने को मिल जाते हैं। गियर नॉब जो है वो काफी मतलब यूनिक और मस्त दिया गया है यहाँ पे छोटा सा। और हाँ, हमें यहाँ पे 6 स्पीड का गियर बॉक्स देखने को मिलता है ऑटोमेटिक में भी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे ऑटो होल्ड का बटन भी हमें देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे हमें कप होल्डर भी देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आर्मरेस्ट देखने को मिलता है जो कि कूल आर्मरेस्ट है, मतलब यहाँ पे कूलिंग फंक्शन के साथ दिया गया है। और यहाँ पे भी चार्जिंग सॉकेट्स दिए गए हैं, यहाँ पे 12 वोल्ट का और टाइप सी और USB, मतलब पूरी गाड़ी में बहुत सारे यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। अभी यहाँ पे हमें ऑटो डिमिंग IRVM देखने को मिलता है, जो कि अब तो सारी गाड़ियों में मिल जाता है। यहाँ पे हमें पूरी LED में लाइट देखने को मिलती है, रीडिंग लाइट, और ऊपर जो है वो पूरा पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिलता है, जो कि काफी सही और काफी वाइड है, मतलब बहुत ही बड़ा सनरूफ है यहाँ पे सफारी में। अब यहाँ पे सनसेट की बात करें तो सनसेट में भी हमें मिरर विथ लाइट्स दोनों मिल जाते हैं, और ड्राइवर साइड हमें यहाँ पे भी मिल जाता है। अब नीचे ग्लव बॉक्स की बात करें तो ग्लव बॉक्स में भी हमें काफी टाटा पहले से ही ग्लव बॉक्स जो है वो काफी सही स्पेस मैनेजमेंट के साथ डिजाइन करती है। तो यहाँ पे ऊपर जो है वो आप टैबलेट वगैरह कुछ भी रख सकते हो, क्योंकि बीच में हार्ड पार्टीशन है तो उससे आपका डैमेज नहीं होगा कुछ भी चीज। और यहाँ जो है वो आप अपना काफी अच्छा सामान यहाँ पे रख पाओगे। यहाँ पे आपको पेन होल्डर भी मिल जाता है, तो और अंदर लाइट भी आपको मिल जाती है, और कूलिंग फंक्शन के कूलिंग फंक्शन नहीं मिलता है इसमें, क्योंकि कूलिंग फंक्शन आपको इसमें मिलता है। तो यही थी मतलब यही था सफारी का इंटीरियर। अब टाटा सफारी में सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो पहले तो हमें यहाँ पे 7 एयरबैग्स देखने को मिलते हैं,
फिर हमें यहाँ पे ये वेरिएंट में एडास लेवल 2 भी मिल जाता है, जिसमें भी काफी सारे फीचर्स हमें सेफ्टी के मिल जाते हैं। फिर मिलते हैं ओवर स्पीड वार्निंग, ग्लोबल एनकैप में हमें यहाँ पे सफारी में 5-स्टार रेटिंग मिल जाता है, आईसो फिक्स चाइल्ड सीट विद एंकर पॉइंट्स, सीट बेल्ट वार्निंग मिल जाता है, और TPMS जैसे काफी सारे मतलब सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। और यहाँ पे टाटा सफारी की माइलेज के बारे में बात करें तो आपको 14 से 15 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज आपको दे देगी, मतलब फुल टैंक पे 730 से 725 किलोमीटर तक की आपको ड्राइविंग रेंज यहाँ पे टाटा सफारी में मिलेगी। और टाटा सफारी में जो गियर नॉब हमें मिलता है, मतलब गियर बॉक्स, वो 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स हमें देखने को मिलता है। तो यही थे टाटा सफारी के स्पेसिफिकेशंस। टाटा सफारी में स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात करें तो हमें यहाँ पे टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों देखने को मिलता है, तो ये काफी सही चीज है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे हमें 50 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे टाटा सफारी के इंजन के बारे में बात करें तो हमें यहाँ पे 2 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन देखने को मिलता है, जो कि मैक्सिमम पावर जनरेट करता है वो है 168 PS का पावर 3750 RPM पे, और मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है वो है 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क 2500 RPM पे। तो यहाँ पे पावर फिगर की बात करें तो टाटा सफारी का काफ़ी सही है, और यहाँ पे इंजन भी काफ़ी पावरफुल है। तो यही थे टाटा सफारी के इंजन स्पेसिफिकेशन। तो ये वाला वेरियंट है टाटा सफारी का एकम्ब्लिस्ट डार्क एडिशन ऑटोमेटिक, और ये वाला वेरिएंट जो है वो आपको ऑन रोड पड़ेगा 29.74 लाख, मतलब अंदाजन आप गिन लो तो 30 लाख के अराउंड आपको ये वाला वेरिएंट जो है वो पड़ेगा। अगर आपको ये टाटा सफारी अच्छी लगी हो और आप सफारी के बारे में इंक्वायरी करना चाहते हो तो ज़रूर से आप प्रगति टाटा मोटर्स में आ सकते हो, सूरत में हो तो, और टाटा की कार्स के लिए इंक्वायरी करना चाहते हो तो आप ज़रूर से कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको देखने को मिलते रहे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, ड्राइव सेफ।